हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3D में बेस जो ग्रिड है वो कैसे बनाते हैं, और एक आइसोमेट्रिक व्यू अगर आपको बनाना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्रीवियस सेशन में मैंने ये जो कंसेप्ट है 3D का वो आपको दिया था, और आज मैं आइसोमेट्रिक का जो बेस है वो आपको बताना वो मैं बताऊंगा आइसोमेट्रिक का बेस कैसे बनेगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उसमें और अच्छे तरीके से मतलब डिज़ाइंस को बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार हमारे चैनल पे है गाइस, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ से सबसे पहले तो आपको बेसिक शेप में से पॉलीगन को यूज़ करना है, और ध्यान रखिएगा कि फिल कलर को ऑफ कर दें। आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक कलर के साथ, और पेज को जूम इन कर लेंगे, और जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पे पॉलीगन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाके ध्यान रखिएगा कि सेंटर पे ले, ठीक है। आपको इनसाइड आउटसाइड को चूज़ नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्नर को राउंडेड आप कर लेंगे, ठीक है। और इसे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंटर है और ये जो पॉइंटर, ये दोनों स्ट्रेट में आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट में, तो ही ये काम हो पाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेंगे, और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंगल इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो मेक श्योर यू कैन मेंटेन द एंगल, ठीक है। यहाँ पे लाइन टूल ले लेंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंटर से इस पर्टिकुलर पॉइंटर तक आप लेके जाओगे। इससे आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, इन द सेम वे फ्रॉम हियर टू हियर ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ें लेके जानी है। इसके बाद इसका सिलेक्शन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि एंगल प्रॉपर है कि नहीं, है ना, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं, तो व्यू में जाके रूलर हमारे पास है, कंट्रोल आर शॉर्टकट होता है, रूलर से आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, एक बेस लाइन को। तो जिस बेस लाइन में एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो सीधी है कि नहीं। और इसके बाद इसका सिलेक्शन कर लेंगे, ग्रुप कर देंगे, और यहाँ पे कलर को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे लाइट ग्रे कलर का रख रहा हूँ। वेट को थोड़ा और हम लाइट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बेस की तरह चाहिए, हमें ये मेन शेप नहीं बनाना, हमें बेस चाहिए। मैं इसके पॉइंटर को साइज़ को छोटा कर ले रहा हूँ, और इसे मैं कॉपी करूँगा। अल्ट होल्ड करके आप चीज़ों को कॉपी कर दें, और शिफ्ट भी अगर आप प्रेस करके रखेंगे ना, अल्ट एंड शिफ्ट बोथ, तो आप इसको एक प्रॉपर वे में एक अलाइनमेंट के साथ जो है वो लेके जा सकते हैं। आपको मैच करनी ज़रूरी है। कंट्रोल डी से ड्यूप्लिकेट होता है, आप जूम आउट भी कर ले, एंड कंट्रोल डी वंस अगेन, कंट्रोल डी। तो जैसे आपको चीज़ें बनानी उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ के साइज़ को रखना है। तो ये इसका बेस हो गया, कंट्रोल जी, और मैं इसे इसके पोजीशन को चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी चीज़ को मैं फिर से कंटिन्यू कॉपी करूँगा, तो अल्ट होल्ड करके आप यहाँ पे लेके चले जाओगे। ध्यान रखिएगा पॉइंटर पूरा मैच करना चाहिए, कंट्रोल डी से ड्यूप्लिकेट होता है। अगर आपको फंडामेंटल चीज़ें नहीं पता इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, देन मैं प्लेलिस्ट जो है वो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और आप चाहें तो मेरे प्रीमियम कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिसमें मैं स्पेसिफिक मैं चीज़ों को बहुत और ज़्यादा डिटेल में जो है वो बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो अभी के लिए मैंने सिलेक्शन कर लिया, ग्राफ हमारा तैयार हो चुका है, और मैं इसे यहाँ पे ग्रुप कर ले रहा हूँ। और ग्रुप करने के बाद जूम इन करके देख लेंगे कि इसकी विजिबिलिटी है कि नहीं। अगर ये बहुत ज़्यादा लाइट है तो उसके कलर को आप चाहें तो चेंज कर सकते हो, नॉट एन इशू। सिलेक्शन कर लो, स्ट्रोक में चले जाओ, और इसकी कलर को इसमें से आप नेक्स्ट वाले को ले लो। लेयर का कंसेप्ट इज समथिंग दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस व्हाइल वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो लेयर आप यहाँ पे ओपन कर लो, और इस वाले को आप लॉक कर लो, क्योंकि ये बेस की तरह हमें चाहिए। और इसके ऊपर में एक न्यू लेयर हम यहाँ पे ले लेंगे, जूम इन मैं कर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टेयर केस जो है वो कैसे बनेगा, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ। बट ये जो बेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ, फिल कलर को ऑफ यहाँ से कर लेंगे, और पेन टूल में किसी भी कलर को ले लेंगे, ब्लैक एक कलर मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे जाएं तो इसमें कई सारे ऑप्शन है आपके पास स्नैपिंग के, तो मैंने सारे के सारे ऑफ करके रखे, सिर्फ पॉइंट मेरा इनेबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जूम इन कर लेते हैं, और एक बेस जो है आइसोमेट्रिक का वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंटर पे, और जब मैं यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो कैसी आपको हाइट चाहिए, है ना, तो एक बेस प्रॉपर आपको मिल जाता है, और उसी तरीके से आप इसे इस डायरेक्शन में लेके आ सकते हो। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो लाइन हमारी आ रही है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैच करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट को भी आपको यहाँ पे मैच करना है। तो वेट ऑफ स्ट्रोक मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि जो हमने क्रिएट करा है वो है कहाँ पे। तो मैंने वेट को 1 रख लिया। यहाँ पे जाके मैं इस पॉइंटर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। अब सेम चीज़ अगर आपको क्रिएट करना है तो बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्ट होल्ड करके आप इसे एक बार फिर से जो है ना वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कंट्रोल डी से आप इसे ड्यूप्लिकेट कर सकते हो। फर्दर इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस देन यू कैन डू दैट आल्सो। और यहाँ पे इसका बेस जो है वो हमें तैयार करना है, तो पेन टूल में फिर से मैं आ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैं क्लिक कर रहा हूँ,
और ये जो लाइन हमारी जा रही है वो उस पर ध्यान आपको रखना है कि ये कहाँ पे मैच कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो जैसे आपको स्टेयर्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आइसोमेट्रिक में जो इसका पूरा का पूरा जो एक एंगल होगा, जो प्रस्पेक्टिव का जो एक होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। फिर से लेयर को ओपन कर ले और पहले वाले बेस जो ग्रिड हमारी उसको हम यहाँ पे ऑफ कर लेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत ही आसान तरीके से हम आइसोमेट्रिक व्यू को बना सकते हैं अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है। तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से बेस को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अगर आप कोई इन्फोग्राफिक वगैरह कुछ बनाना चाहें या फिर कोई बॉक्स बनाना चाहें जिसमें आप कुछ इस तरह का शेप बनाना चाहें, पी बटन जो है वो प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट बटन को कीबोर्ड में होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपको एक ट्यूब की तरह बनाना है कुछ सपोज़, ठीक है, तो आप ये भी यहाँ से बना सकते हो कुछ इस तरीके से और आप इसे मैच कर लोगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो सेम मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सेम चीज़ें यहाँ पर फिर से फॉलो करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैच कर लेंगे इस पॉइंटर से इस पॉइंटर और यहाँ पर भी चीज़ों को मैच कर लेंगे। तो इस तरह से बॉक्सेस हमने बना दिया। अगर आपको ग्राफ बनानी जिसमें आप दूसरे वाले को और थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो चीज़ भी कर सकते हो यहाँ पे। और मैं इसको 1 2 3, है ना, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। तो बेस के आने से हमें काफ़ी हेल्प हो जाता है और हमें ये एग्जैक्टली पता चलता है। कई बार आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, जूम करके देखेंगे। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास है और आप इससे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ना वो स्नैप कर दीजिएगा तो आपको पता हालांकि चल जाएगा। जब आप क्रिएट करोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे चीज़ें सही जा रही, कहाँ पे चीज़ें सही नहीं जा रही है। और ये जब भी सिलेक्टेड हो ना तो आप इस पर क्लिक नहीं करोगे, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा, देखिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आप ये पॉइंटर देख लो कि ये पॉइंटर कौन सी आ रही है हमारी, ये वाली, है ना। तो ये वाली लाइन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे आप जाके से आसानी से मैच कर सकते हो। अब इस तरह का कंटेंट जब आप बना रहे हो तो आपको इसी चीज़ को और फॉलो करना है आगे भी, लेकिन ये जो पार्ट है ना ये हमें दिखना नहीं चाहिए। तो आप ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे, शेप बिल्डर टूल को ले लेंगे और आप किसी भी कीबोर्ड में बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। शेप बिल्डर टूल में हम मल्टीपल शेप्स को मर्ज करते हैं, सबट्रैक करते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर सकते हैं। और ड्रैग कर लेंगे तो ये जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा और ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स वाली जो फीलिंग है ना, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, सपोज कि अगर आपको कुछ इस तरह का दिखाना है कितने परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है ईयर बाय ईयर, इन्फोग्राफिक्स में हम इस तरह के एग्जांपल्स को शोकेस करते हैं, तो वहाँ पे भी आप इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से जो है वो अपना सकते हैं। एंड आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। तो 3D में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को भी स्नैप करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, तो वो मैं आपको अगले क्लास जो यानी नेक्स्ट क्लास पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारे पास और क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस हैं ना वो कौन कौन से हैं। जैसे पहले मैंने बेस बता दिया कि कंसेप्चुअल चीज़ें क्या क्या है 3D से रिलेटेड। आज मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया और इस ग्राफ में आप सारी चीज़ें बनाओगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3D के जो टूल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं वो क्या हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना, मटेरियल्स क्या, अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी है 3D में तो कैसे बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो या इस तरीके से ही काम यहाँ पे किया जाता है। और एक आइडिया आपको बस मैंने यहाँ पे दिया, अगर आपको डिटेल में कुछ और एग्जांपल्स चाहिए आइसोमेट्रिक से रिलेटेड नीचे कमेंट करके नीचे मुझे बता दीजिए तो मैं ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अच्छा लगा ये कंसेप्चुअल वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अपडेट के लिए ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट सारे मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो, बाय एंड टेक केयर गाइस।